नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई, दिन सोमवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रोहतास और जमुई में करोड़ों के खनिज भंडार की नीलामी को मिली मंजूरी। VTR में बाघों की संख्या में वृद्धि के मिले संकेत। किसानों को कृषि कार्य के लिए 14 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के सीएम नीतीश ने दिए आदेश। प्रदेश के 3 स्कूलों को PM3 के लिए किया गया चिन्हित। भैया जी के बाद मनोज वाजपेयी ने इस फिल्म का किया ऐलान। अब व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो शेयर करना होगा और भी आसान। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने 7000 से भी अधिक पदों पर निकाली भर्ती। रेलवे द्वारा 7000 से भी अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती बीटेक वालों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त है। उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। रोहतास और जमुई में करोड़ों के खनिज भंडार की नीलामी को मिली मंजूरी। खनिज भंडार के खनन का काम इसी साल जमुई और रोहतास जिले में शुरू होने की संभावना है। इसके लिए ये नीलामी की मंजूरी दी जा चुकी है। जमुई जिले में लौह अयस्क के 2 ब्लॉक होने की संभावना है। वहीं रोहतास जिले में चूना पत्थर के एक ब्लॉक में 6000 करोड़ से अधिक कीमत के खनिज भंडार मिलने की संभावना जताई गई है। ई नीलामी निकालने की प्रक्रिया इन सभी ब्लॉकों में खनन के लिए शुरू कर दी गई है। ई नीलामी को सरकार द्वारा गठित टेंडर अप्रूवल कमेटी की बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सोनल झा के बारे में। सोनल एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1971 में हुआ था। ये कई फिल्मों में अपनी अहम भूमिका निभा चुकी हैं, जिसमें लिपस्टिक, अंडर माई बुरखा, 3 स्टोरी, चिल्लर पार्टी जैसी प्रसिद्ध फिल्में शामिल हैं। फिल्मों के अलावा ये कई TV धारावाहिकों में भी नजर आ चुकी हैं, जिसमें हम लड़कियां, ना आना इस देश लाडो, बालिका वधू जैसे प्रसिद्ध TV सीरियल शामिल हैं। इंटरमीडिएट में 10वीं पास को स्कूल और संकाय बदलने का बिहार बोर्ड दे रहा मौका। इस बार इंटरमीडिएट में नामांकन लेने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। 10वीं पास बच्चों को 11वीं में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज आवंटित हुए हैं, और यदि आप उस कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप आसानी से अपना कॉलेज बदल सकते हैं। कॉलेज बदलने के साथ ही बच्चों को अपने सब्जेक्ट यानी संकाय बदलने के ऑप्शन भी मिलेंगे। अपने कॉलेज और संकाय बदलने वाले छात्रों को बिहार बोर्ड आखिरी मौका दे रहा है। विद्यालय और संकाय बदलने वाले को 30 जुलाई तक का समय मिल रहा है। पुलिस महकमे का मैनुअल संशोधित करने की तैयारी। बिहार में पुलिस महकमे का मैनुअल संशोधित होगा। इस मैनुअल को संशोधित करने की कवायद 46 साल बाद शुरू हुई है। इसे बिहार पुलिस हस्तक 1978 भी कह सकते हैं। नए पुलिस मैनुअल में कानून से जुड़े जितने भी बदलाव हुए हैं, नए कानून से जुड़े प्रावधान और पुलिस महकमे में अब तक लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णय को समाहित किया गया है। साथ ही इसमें पुलिस से जुड़े सभी अद्यतन निर्देशों को शामिल करने की तैयारी है। गृह विभाग में प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी की अध्यक्षता में नए मैनुअल तैयार करने को लेकर बैठक की गई थी। आधार को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे करें लॉग। हमारा आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है। इसके बिना हमारे कई गैर सरकारी और सरकारी काम सभी अधूरे रह जाते हैं। अगर आपका आधार कार्ड कभी किसी गलत हाथों में गया तो उसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आधार कार्ड को लॉक रखें। घर बैठे ही आप अपने आधार कार्ड को आसानी से लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आने के बाद आप माय आधार पर क्लिक करें। फिर यहाँ आपको लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके 12 डिजिट का यूनिक आधार नंबर डालें। इसके कैप्चा को वेरीफाई करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करें। यहाँ OTP डालकर लॉगिन करें। फिर लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक पर क्लिक कर कंफर्म करें। ऐसा करते ही आपका आधार कार्ड लॉक हो जाएगा। आगे आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के दौरान इसी प्रोसेस से ऐसे अनलॉक कर सकते हैं। अब WhatsApp पर फोटो और वीडियो शेयर करना होगा और भी आसान। WhatsApp अपने यूजर एक्सपीरियंस को मजेदार बनाने के लिए लगातार कई तरह के फीचर लेकर आता है। अब एक बार फिर से WhatsApp नए अपडेट के साथ एक नया फीचर लेकर आने वाला है, जिससे फोटो और वीडियो शेयर करने के एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएंगे। इस नए फीचर के तहत अब आपको गैलरी में अपने फोटोज और वीडियोज ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि WhatsApp नए एल्बम पिकर फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। इसके तहत आप एक एल्बम से दूसरे एल्बम में आसानी से स्विच कर सकेंगे और आसानी से अपने फोटो वीडियो सेलेक्ट कर पाएंगे।
प्रदेश के इतने स्कूलों को पीएम श्री योजना के लिए किया गया चिन्हित। पीएम श्री का दर्जा देने की कवायद राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शुरू की जा चुकी है। प्रदेश में 17,046 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। इन सभी स्कूलों को पीएम श्री का दर्जा दिया जाएगा। जब इन स्कूलों को पीएम श्री का दर्जा मिल जाएगा तब स्कूल के विकास पर केंद्र सरकार खर्च करेगी। इन स्कूलों के नाम पर आगे पीएम श्री शब्द भी लगाए जाएंगे। राजधानी पटना में इसके लिए 581 स्कूलों का चयन हुआ है। इसकी जानकारी पटना जिला शिक्षा कार्यालय से मिली। स्नातक कोटे की तिरहुत सीट से होगा उपचुनाव। स्नातक कोटे की तिरहुत सीट पर विधानसभा में रिक्त है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस सीट पर उपचुनाव करने की तैयारी की जा रही है। सोमवार को यानी आज नई मतदाता सूची बनाने के लिए पहली सार्वजनिक नोटिस जारी की जाएगी। मालूम हो कि सीट से देवेश चंद्र ठाकुर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देवेश चंद्र ठाकुर परिषद के सभापति भी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से संसद का चुनाव जीतने के बाद इन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो अब निर्वाचन आयोग इस सीट पर उपचुनाव करवाने की तैयारी कर रहा है। किसानों को कृषि कार्य के लिए 14 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के सीएम नीतीश ने दिए आदेश। सीएम नीतीश ने किसानों को कृषि कार्य के लिए 14 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। इसके लिए बिजली कंपनी ने कई स्तरों पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था शुरू कर दी है। किस फीडर से किसानों को कृषि कार्य के लिए कितनी बिजली जा रही है, इसके लिए जिलों के डीएम से लेकर डिवीजन स्तर पर काम कर रहे इंजीनियरों को इस बात के अनुश्रवण की जिम्मेदारी मिली है। इसका अपडेट हर दिन को मुख्यालय स्तर पर लिया जाएगा। बिहार में 1354 कृषि फीडर है। ये संख्या साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दोनों को मिलाकर बताई गई है। किसानों को कृषि कार्य के लिए इसी के माध्यम से सुबह 5 बजे से शाम के 7 बजे तक बिजली दी जाएगी। खराब बेंच डेस्क देने के कारण शिक्षा विभाग ने 2 एजेंसियों को किया ब्लैकलिस्टेड। शिक्षा विभाग ने 2 एजेंसियों पर आर्थिक दंड लगाए हैं, क्योंकि दोनों एजेंसियों ने स्कूलों में घटिया बेंच डेस्क की आपूर्ति की थी। एजेंसी ने स्कूल की जो बेंच डेस्क की सामग्री उपलब्ध करवाई थी वो तुरंत खराब हो गया, जिस वजह से इन एजेंसियों को शिक्षा विभाग ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया। विभाग से जो रिपोर्ट मिली है उसमें पता चला है कि स्कूलों को बेंच डेस्क आपूर्ति करने के बाद 7,07,328 बेंच डेस्क की जाँच की गई थी, जिसमें 14,297 बेंच डेस्क की गुणवत्ता मानक अनुरूप नहीं थी। भैया जी के बाद मनोज वाजपेयी ने इस फिल्म का किया ऐलान। बिहार से अपना संबंध रखने वाले बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए सभी के बीच जाने जाते हैं। अभी हाल में इनके फिल्म भैया जी लोगों के बीच काफी पसंद की जा रही है। अब इसी बीच मनोज वाजपेयी ने एक और नई फिल्म के लिए साइन कर दिया है। मनोज वाजपेयी की ये फिल्म नई फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा पर बेस्ड होगी। बहुत जल्द इस फिल्म के टाइटल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस फिल्म का के प्रोड्यूसर मनोज वाजपेयी की पत्नी सबाना राजा वाजपेयी हैं। इनके जन्मदिन के अवसर पर ही इस फिल्म का ऐलान किया गया है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे मछली तालाब के बारे में। ये तालाब बिहार के मुंगेर में स्थित है। इसे लोग गोयनका शिवालय के नाम से भी जानते हैं। कई श्रद्धालु शिवालय में पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। ये एक बड़े तालाब के बीच में बनाया गया है। इसमें कई सुंदर मछलियां आपको देखने को मिल जाएंगी। इस मंदिर को संगमरमर की चट्टान से बनाया गया है, जो देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ एक ग्रीन हाउस के साथ बगीचा भी है, जहाँ लोग अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ घूमने जा सकते हैं। अब स्कूल के समय ट्रक और ट्रैक्टर जैसी गाड़ियों का नहीं होगा परिचालन। बिहार में लगातार सड़क हादसे को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत तय किया गया है कि राज्य के अंदर स्कूल टाइम के दौरान ट्रैक्टर ट्रक और माल ढोने वाली गाड़ी नहीं चलेंगे। परिवहन विभाग द्वारा इसे लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है और सभी डीएम और एसपी के पास भेजने की तैयारी है। आपको बता दें कि स्कूल टाइमिंग के समय सड़कों पर स्कूली गाड़ियां अधिक होती हैं, जिससे ट्रक ट्रैक्टर या अन्य गाड़ियों से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है, जिस वजह से स्कूल के समय में इन वाहनों का परिचालन पर रोक लगा दी गई है। बीटीआर में बाघों की संख्या में वृद्धि के मिले संकेत। पश्चिम चंपारण की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी बीटीआर में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह है बेहतर अधिवास प्रबंधन और शिकार पर अंकुश लगाया जाना। वर्ष 2022 में गन्ना के समय यहां 54 बाघ पाए गए थे, लेकिन अब बाघों की संख्या में वृद्धि होने के संकेत मिले हैं। केवल मंगुराहा के जंगल में बाघों की संख्या 12 से 14 के करीब में है। बाघों की संख्या में वृद्धि होने की एक मुख्य वजह घास का मैदान और शाकाहारी जानवरों की वृद्धि में बताई जा रही है। क्षेत्र निदेशक डॉक्टर नेसा मणि ने बताया है कि संख्या में वृद्धि के लिए घास के मैदान बढ़ाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए तो इनकी संख्या बढ़नी तय है। जाने आज कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम। बिहार में बीते 15 दिनों से मॉनसून की स्थिति कमजोर है। सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा लगाई जा रही संभावनाएं भी फेल हो रही हैं। लोग इसी गर्मी में से परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ कम वर्षा के कारण किसानों को खेत में सिंचाई के लिए पानी ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है।
आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के पश्चिम भाग में क्या दो स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात की संभावना है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री, कुछ जगहों पर 34 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की बात कही गई है। पूर्णिया तनिष्क के शोरूम से हुए लूटकांड के मामले में 5 अभियुक्त आए हिरासत में। पूर्णिया में तनिष्क के शोरूम में करीब 2 करोड़ रुपए के आभूषण की लूट की गई थी। इस मामले को लेकर पूर्णिया पुलिस लगातार जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 5 लोगों को इस मामले में संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है। पूर्णिया पुलिस ने बताया है कि अब तक अनुसंधान में अभियुक्त के नेपाल की ओर भागने का संदेह प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा अभी तक अभियुक्तों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता भी लगाया गया है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के हर एक बिंदु की जांच कर रही है। प्रदेश में टीबी मरीजों को मिल रही राहत। राज्य के 1 लाख से भी अधिक टीबी मरीजों को पहले से राहत मिल रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू है। टीबी मरीज इलाज के लिए सभी प्रकार की दवाएं भारत सरकार दे रही है। कुछ कारणों से केंद्रीय टीबी यक्ष्मा प्रभाग से टीबी की दवा को भेजने में विलम्ब हुआ है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने भी स्थानीय स्तर पर से बिहार चिकित्सा सेवाएं और आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा 12 प्रकार की दवाओं का अनुबंध किया है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 4 प्रकार के विशिष्ट पैक और 5 प्रकार के अन्य टीबी इलाज की दवाएं आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल की गई। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सीएम नीतीश ने मनु भाकर को दी बधाई। भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महिला निशानेबाज को बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मनु भाकर के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि देश की बेटी मनु भाकर ने ओलंपिक खेल के एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर शूटिंग प्रतियोगिता के इतिहास में अपनी नई पहचान बनाई है। ये भारत ओलंपिक इतिहास के शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बिहार को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दोहरे मानक अपनाने का लगाया आरोप। केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने बिहार समेत कई राज्यों को लेकर दोहरे मानक अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा विकसित राज्य विकसित भारत बनाएंगे, वह कितनी गहरी बात है। काश वो करदाताओं का पैसा वहीं खर्च करते जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आगे उन्होंने कहा कि 2023 के विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई बार मांग की कि केंद्र सरकार बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बार बार इसे खारिज कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। बीते दिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर औपचारिक रूप से वो अपनी राजनीतिक पार्टी को लॉन्च करेंगे। उनकी पार्टी 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि पार्टी के नेता कौन होंगे ये भी लोग ही तय करेंगे। इस दौरान प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी किसी जाति या किसी परिवार या किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि बिहार के लोगों की दल होगी, जिसे बिहार के लोग मिलकर बनाएंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के साथ इस अभियान में कर्पूरी ठाकुर की पोती और पूर्व IPS आनंद मिश्रा समेत जदयू राजद के कई नेता भी शामिल हो रहे हैं। बिहार यात्रा पर कब निकलेंगे तेजस्वी, जल्द पार्टी करेगी इसका ऐलान। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा का क्या नाम होगा, इसकी क्या तिथि होगी, इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। इन सभी की तैयारी शुरू कर दी जा चुकी है। उम्मीद है कि ये बिहार यात्रा तेजस्वी यादव 17 अगस्त से शुरू करें। राजद द्वारा सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में बिहार यात्रा की तैयारियां और प्रचार प्रसार करें। इस यात्रा के माध्यम से तेजस्वी यादव बिहार सरकार को घेरेंगे, साथ ही विधानसभा चुनाव में मजबूती से वापस आने की भी तैयारी करेंगे। श्रीलंका ने पहली बार जीता महिला एशिया कप का खिताब। महिला एशिया T20 कप 2024 का फाइनल मैच श्रीलंका जीत चुकी है। ये मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच था। इस मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराया। श्रीलंका पहली बार एशिया कप का खिताब जीतने में सफल हुई है। मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जिसमें इसने 165 रन बनाए। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए थे। इस दौरान स्मृति मंधाना ने सबसे ज़्यादा 60 रन बनाए, वहीं जिमी माने 29 रन का योगदान दिया।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1748 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए ब्रिटिश सेना की पहली टुकड़ी भारत पहुंची। आज के दिन वर्ष 1876 में साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1911 में मोहन बगान ने पहली बार आईएफ शील्ड जीता था। आज के दिन वर्ष 1987 में भारत श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ था। आज के दिन वर्ष 1931 में सी नारायण रेड्डी का जन्म हुआ था। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि थे। आज के दिन वर्ष 1904 में जेआरडी टाटा का जन्म हुआ था। इनका नाम आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले औद्योगिक हस्तियों में शामिल है। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे सरकार द्वारा फोन कॉल पर रखी जा रही निगरानी के बारे में। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे खबर में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अब नए संचार निगम के तहत सोशल मीडिया फोन कॉल की निगरानी रखी जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि फॉरवर्ड हो रहे इस मैसेज का दावा पूरी तरह से भ्रामक है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है, इसलिए इस तरह के फर्जी सूचना पर ध्यान देने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगी। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन बी है दौरा का युद्ध, ऑप्शन सी है चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी है सूरज गढ़ा का युद्ध। इसका सही उत्तर है सूरज गढ़ा का युद्ध। सूर वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए शेर शाह, ऑप्शन बी है हसन खान, ऑप्शन सी है मोहम्मद नुहानी, ऑप्शन डी है दरिया खान। इसका सही उत्तर है शेर शाह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 23 जून, ऑप्शन बी है 25 जून, ऑप्शन सी है 24 जून, ऑप्शन डी है 26 जून। इसका सही उत्तर है 25 जून। हाल ही में कहां भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका सही उत्तर है गांधीनगर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है केरल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है ओंकार सिंह मुस्कान, मोहम्मद असगर कमाल, शिव शक्ति, धर्मेंद्र कुमार, धीरज कुमार, नुनु गोलू कुमार, मुन्ना कुमार, गोनर शर्मा, मुकेश कुमार, रंजीत मिश्रा, नीरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के पर्यटन स्थलों में आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।